वो अभी हल्दी हो गई है और हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं है, इधर हॉरर प्लेस नहीं है, वो बोले रिजॉर्ट है। ये चर्च है और नीचे जो है मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है दीपक भैया की हल्दी और हम लोग रेडी हो चुके हैं। नीरू थोड़ा सा वेडिंग महिला संगीत मटेरियल लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं है। और सुबह से इतना मतलब इतना घिचिर पिचिर हो रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा रेडी होने के बाद ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो चलते हैं, दीपक भैया की हल्दी दिखाते हैं आपको, दीपक भैया से मिलाएंगे। अभी यही दीपक भैया अभी तक इधर ही घूम रहे थे, अभी जैसे ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम हुआ अभी गायब हो गए। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग, दिखाते हैं आपको। मेरी कल की मेहंदी ऐसी लगी, उतनी डार्क नहीं लगी, क्या पता शाम तक काली हो जाए। और यह है मेरा फुल लुक। नीरू आगे को, नीरू का भी दिखाती हूँ। यह है नीरू का और मेरा फुल लुक। उज्जैन नीरू, तू लंबी है क्या मेरे से? तो मैं छोटी लग रही हूँ। हाँ, इसने थोड़ा हील भी पहना है। तो अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं, यहाँ तैयारी हो रही है हल्दी का स्टेज बनने की, अभी बनी नहीं है। हाँ, ये नहला हल्दी वाली है ना, ये यहाँ पे बैठ के नहलाया जाएगा, यहाँ पे बैठ के नहलाया जाएगा दीपक भैया को। पूरा नहा लेगा वो, पूरा यही बना लेगा। आज ब्रह्मा बनूंगा, ब्रह्मा कमल का फूल देखो, बस यहाँ पे डेकोरेशन हो जाएगा मस्त सा, अभी हुआ नहीं है। बहुत रील देखता हूँ। कौन सा गाना है? ठीक है, तो तू भी यूट्यूबर है? गाना याद नहीं है तुझे? तू बता कौन सा गाना है। हाँ, सारे गाने पहाड़ी गाने। पता कौन सा? अरे हिमुली 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 इनका बाटा पाया है स्पेशल स्पेशल पहले, उसके बाद इनकी हल्दी होगी। डुबकी डुबकी मारे आप सब लोग मिलके दीपक भैया को नहलाएंगे और उसके बाद हल्दी होगी। कितने सुंदर लग रहे हैं सबके सब। सारे गानों में आएगा, ये सारे गानों में रहता है। हाँ, ये डांस हमको यही तो सिखाता है, डांस कोरियोग्राफर है और सारे गानों में रहता है ये। तभी तो इतना काला हो गया, नहीं तो बहुत बुरा था। सही दिख रहा हूँ, ठीक है पहले से क्या दो तीन ये देखो दिखा दे, चल चल दिखा दे। आज तो मैंने नहीं कराया मेकअप और इतना था सब लोग आज वीडियो देखो लगता है देंगे। तो क्या वही करने तो आए हैं, वही करने तो आए हो? आए तो वही दोबारा से फिर से इसकी और मेरी लड़ाई होगी और आप लोग को होगी, तो झगड़ेंगे। अभी हमारी फोटो देखो, मेन इसको मैंने फोटो खींचने के लिए चला गया हूँ। सो गाइस, आप लोग फॉलो करें कांडपाल के ब्लॉग को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस। और बहुत अच्छी ब्लॉग बनाते हैं, बहुत एक्टर है और एकदम देखता हूँ। क्यों मैं ऐसी बात करे बोलो जी, देखता हूँ यार, अच्छी लगता है आपकी ब्लॉग। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने करे हैं और बहुत अच्छे अभी मेरे गाने भी करने वाले मेरे पर्सनल चैनल के। और जल्दी करते हैं, निर्णय तो कर दिया है, करा कल्पना सब आ रंगली भी छोड़ी नहीं है वहाँ, मस्त लग रहा है एकदम। अरे लेट बराती हैं, देखो कैसे खाना खा रहे हैं सब। ये प्यार है ऐसे खाना खाना ना, एक ही दो थालियों में चार लोगों का खाना होना है। अच्छा थालियाँ कम थी, बजट देखा जा रहा है यहाँ भी बजट। खाना खा के अब हम लोग हल्दी में जा रहे हैं, चले फिर हल्दी में। तो अभी दीपक भाई की हल्दी स्टार्ट हो चुकी है,
हमारे दीपक भाई को हल्दी लग रही है यार। ये पंकज के कैमरे में इतना अच्छा दिखता है, मेरे कैमरे में दिखता है। ये देखो आईफोन है, छुप गए दीपक भाई। आज तो दीपक भाई पूरे सेलिब्रिटी बन रहे हैं, परसों तक तो पूरे गायब हो जाएंगे मिस्टर इंडिया। पता है नहीं दीपक भैया यहाँ है ना ब्लॉग बनाने में डर जैसे लगती है, तो कल साइड से कुछ नहीं करो। कल बोल दिन रात को ओए ब्लॉग व्लॉग नहीं बनेगा, पहले कहते मैंने अच्छा मैं सिखा रही तुम्हें कौन कह रहा है तो अब भावना कांटपाल और नीरू बोरा, और नीरू का पेट पता है ऐसे उनके मुंह पे टच हो रहा है, ऐसा लगे नीरू दा के मुंह पे पेट टच हो रहा है। यहाँ पे कोरियोग्राफी चलने मुझे लग रहा, यहाँ पे बहुत जबरदस्ती प्लानिंग चल रही है दीपक भैया को पीला करने के लिए। टैग ही लगाया ना तो ये लोग पता है नीचे कार में गाने बजा के डांस कर देता हूँ। आपको क्या बात है यार, मेरा गाना लग गया, अरे गाना आ गया, मेरा गाना लग गया, डांस कराओ, मेरा गाना लग गया। और हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर हमें कुछ मस्त मस्त सी जगह या मंदिर दिख जाएगा तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि फिर बारात शाम को जाने वाली है ना, तब तक हम लोग घूम लेते हैं। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं वो पेट्रोल पंप से आगे, हाँ पेट्रोल पंप से कुछ आगे मोरडो खाने की जगह है। अच्छा तो उसमें दाई तरफ को एबर्ट माउंट नाम करके पूछना भी, एबर्ट माउंट में बड़ा फील्ड है एक। अच्छा कहीं नई जगह जाते हैं ना हमारे साथ ऐसे होता है, हम या तो हम गलत आ जाएंगे या तो फिर आगे आ जाएंगे पीछे आ जाएंगे भपरी जाएंगे, फिर वहाँ जाने तक का सब खत्म हो जाएगा। देखो आ गए हम लोग यहाँ, हॉरर जैसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। गौरव भाई भी बताएंगे अभी ऐसी मेरे ब्लॉग के लिए स्टोरी। ओके मैं बताऊंगा। तो ये रहा शायद ये है, अब यहाँ से थोड़ा पैदल रास्ता है, यहाँ पे साइकिल भी मिलती है रेंट पे, लेकिन हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं। पता नहीं कितना कितना है ये पूछ लेना, 10 किलोमीटर पैदल। इतना में तो हम केदारनाथ ना जाए, मतलब इलाका तो हॉरर वाला है ना, मतलब चीं चीं की आवाज है चारों तरफ से। ये है नीचे यार, जो हमने फोटो में देखा था उसमें ना बाहर से काई काई सी लगी हुई थी इधर, और नीचे क्यों होगा, और नीचे क्या है, यहाँ कुछ 90-20 टाइप की कुछ होगी ना, मतलब फादर जॉनसन बताएंगे। हो सकता है भूख मुक्ति कर रहा है वो, भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है बल यहाँ। मरने और जो जिंदा रहते हैं ना उनके बीच का क्या होता है वो देखते हैं, ये देखिए वो कह रहे हैं मुक्ति प्राप्त करो, हम लोग कह रहे हैं और ये बंद कर रखा है यहाँ से जाने वाला। वीडियो भी नहीं बनाते मतलब जॉनसन और जो रोबोट है वो पीछे पड़ जाते हैं। 1942 की बात है, गलती है यार। काफल के पेड़ है लेकिन यहाँ को खाए गए हैं, जहाँ पे हम गाड़ी में चल रहे वहाँ पे नहीं खाए। क्या देख रहे भाई जाके किसके अंदर, यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा है कि तुम लोग यहाँ घूम सकते हो अंदर जा सकते हो। सबसे पहले नीरू जाएगी, चलो नीरू नीरू नहीं जाएगी, चलो भाई रिस्क है तो इश्क। तो अगर मेरे को कुछ होगा तो इन सब तो कोई नहीं, हम भाग जाएंगे। आ गए हम भी, सोनी बेवफा है, सोनी बेवफा है। ये देखो हम आए हैं अबाउट माउंट पे जो है लोहाघाट में, लोहाघाट से 7-8 किलोमीटर आगे हम, इसको मुक्ति कोठरी भी बोलते हैं और अबाउट माउंट है मतलब अबाउट माउंट। लेकिन ना इधर से दरवाजा बंद है लेकिन इधर से खिड़कियां वगैरह खुली हैं, बाकी टूटी फूटी सी चेयर गंदा लगा मतलब अभी भूत भूत खाली बना रखा है, भूत भूत कुछ नहीं है, भूत मार जैसा। ये चर्च है और नीचे जो है नीचे है मुक्ति कोठरी। ये देखो एक अलग ही लग रहा है यार,
कोई होगा तभी तो पूछेंगे। चलो फिर पूछते हैं, चल के ही पूछेंगे। अक्कू भाई जो सबको डरा रहे ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। ये इसका पीछे का इलाका है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम अलग सा यूनिक सा का। तो ये पूरा हॉरर वाला है, पूरा हॉरर इलाका देखो चारों तरफ। लग गया। नीरू ऐसे मत कर। हाँ चलो भाई को मौका मिल गया ना, अब वो करेंगे। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है छोटा सा, ये हम बाहर से ही देख लेते हैं। देखो करंट लगा सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा है उसमें। अच्छा हॉस्पिटल ये है, मेन जो हॉस्पिटल है वो ये है ना। तो यहाँ पे कोई आता होगा यही है, महल यही है। हाँ हो सकता है, क्या क्या पता उनकी आत्मा वगैरह रहती हो, मतलब डॉक्टर बैठे। हंस क्या रहे हो भाई, किसी की यादें जुड़ी होती है तो वो रहता है वहाँ पे। बोल रहे थे ये हॉस्पिटल है था पहले, और अब जॉनसन आते रहते होंगे पार्टी करने के लिए। पार्टी करते तो गंदा होता। डॉक्टर मैरी के साथ थे वो, मिंडा गेंडा मिंडा। जाओ अक्कू भाई बरात में। वैसे यहाँ पे अगर पार्टी होगी, नाइट पार्टी, कितना लाइटिंग करा जाएगा, कितना मस्त लगेगा। और जो है क्या, और ये देवदार के पेड़ तो भाई क्या लगी है, मतलब बड़ी मस्त जमा है। इन्होंने मतलब लोहागढ़ से इतनी ऊपर बनाया था, ऐसी चीजें ऐसी रहती है वो है ना, ये अंग्रेज से तो अंग्रेज लोग ऐसी चीजें बनाते थे। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती थी ना, वो यही चर्च के आस पास। तो गौरव भाई सपने क्या दिख रहा है तुम्हें, सपना दिख रहा है क्या, जंगलों के बीच में घर बना नहीं दिख रहा था, स्वस्थ रहो। चले फिर नीचे हो तो क्या, कहाँ है नीचे, यहाँ से तार फांग के। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पूरा घूम लिया है, और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। ये लोग थोड़ा सा नीचे घर जाने की इच्छा हो रही है गौरव भाई की, देखो जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। और फिर रात को शादी के लिए रेडी होंगे, इसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे रूम पे। तो इस व्लॉग को ये पेंट करते हैं। होप आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और शादी का व्लॉग आएगा कल को परसों को। बाय।